अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद रज़ा जी। अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 में हमने शो करना है कि ये दो जो मैट्रिसेस हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है हमारे पास RI3। अब I3 क्या है? I3 हमारे पास है आइडेंटिटी, I से मुराद आइडेंटिटी, 3 जो है उसका ऑर्डर दिया हुआ है, तो मतलब आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर 3। तो I3 इज इक्वल टू होगा यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जी ये आइडेंटिटी 3 हमने शो करना है कि RI3 के इक्वल है ये मैट्रिक्स। अब सिंपल इसमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो R cos phi मल्टीप्लाइड बाय R cos phi, तो ये आ जाएगा जी R cos square phi। फिर 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आता है, प्लस -sin phi - R sin phi, माइनस माइनस जो होगा हमारे पास, या सिंपल लिख दें इसको -sin phi मल्टीप्लाइड बाय -R sin phi। जी अब जो है दूसरे के साथ R cos phi मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये आता 0, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0, प्लस -sin phi मल्टीप्लाइड बाय 0, ये भी 0। अब तीसरा कॉलम R cos phi मल्टीप्लाइड बाय R sin phi मल्टीप्लाइड बाय sin phi, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, -R sin phi, प्लस R cos phi, तो ये आ गया -minus R cos phi sin phi। जी दूसरी रो, पहला कॉलम 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये आता 0, प्लस 0 प्लस 0। जी इसी तरह से ये 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, ये आता है जी हमारे पास 0, प्लस R मल्टीप्लाइड बाय 1 R प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, ये भी 0 0 0। आखिरी जो है R sin phi cos phi R sin phi मल्टीप्लाइड बाय cos phi, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, या तो 0, प्लस cos phi मल्टीप्लाइड बाय माइनस R sin phi cos phi मल्टीप्लाइड बाय माइनस R sin phi। जी दूसरा कॉलम R sin phi मल्टीप्लाइड बाय 0, 0, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0, प्लस आखिरी भी 0। जी R sin phi मल्टीप्लाइड बाय sin phi, तो ये आ जाएगा जी R sin square phi, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, प्लस cos phi मल्टीप्लाइड बाय R cos phi, तो ये आ जाएगा R cos square phi। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन। आगे जी इसको खोलें तो ये R cos square phi माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी R है यहाँ पे भी R है, तो दोनों में से R कॉमन ले लूँगा। ये जी cos square phi प्लस माइनस माइनस प्लस लगेगा, sin, ये आ जाएगा जी sin square phi। अगला 0, उसके बाद R cos phi sin phi, माइनस माइनस प्लस माइनस R cos phi sin phi, ये 0, यहाँ पे बचा R, 0, R sin phi cos phi प्लस माइनस माइनस R sin phi cos phi, ये 0, R दोनों में है तो दोनों में से R कॉमन ले रहे हैं, sin square phi प्लस 0 तो वैसे 0, cos square phi। जी ये आ गया। अब यहाँ पे देखें तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल।
अब आपने पीछे एक फार्मूला पढ़ा हुआ था के क्या फार्मूला था, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू वन क्या आता है। कॉस को पहले रख लें, साइन को पहले रख लें, इसमें कोई इशू नहीं, तो लिहाजा ये जो होगा वन के इक्वल आएगा, ये भी वन के इक्वल आएगा। बाकी जो मैट्रिक्स बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, ये वन आ गया, यहाँ पे बचेगा आर आर और यहाँ पे जी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो हो गया, ज़ीरो आर ज़ीरो 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 आर, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें अगर देखें तो ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, बाकी सारे ज़ीरो हैं। तो किसी मैट्रिक्स में से हम अगर कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो हर एलिमेंट के से कॉमन लेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लिहाजा बाकी में ज़ीरो है तो मैं यहाँ से और कॉमन ले सकता हूँ, टेकिंग कॉमन आर, आर को हम कॉमन ले रहे हैं तो ये बचेगा जी आर वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन जी, और हमने कॉमन ले लिया। बाकी जो मैट्रिक्स बचा वो क्या था, आई थ्री, तो इसको लिख देंगे आर आई थ्री। हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया, ये वाली साइड हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। हाँ जी, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम।